सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत से आए हैं। शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा दस्तक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दस्तक कार्यक्रम के तहत जैसे आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम के दौरान आमतौर पर मलेरिया, डेंगू, जापानी बुखार, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाया करती हैं। ये क्यों होती हैं? घरों के अंदर जैसे गमले हैं, गमलों के अंदर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, घर की छत के ऊपर कोई टूटा हुआ टायर, टूटा मटका, उसके अंदर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो बरसात का पानी इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पर मच्छर का लार्वा पैदा हो जाता है, जिससे मच्छर पैदा हो जाते हैं। अगर मच्छर पैदा होंगे तो अपने साथ वो मलेरिया भी लेकर आएंगे। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया बुखार को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर उचित समय पर इनकी पहचान ना की जाए, लक्षण क्या है? एकदम से आपको तेज बुखार होगा, आंखें लाल हो जाएंगी, जोरों में दर्द होगा, सारे बदन में थकान महसूस होगी और रोगी को उल्टिया भी हो सकता है, उसे चक्कर भी आएगा, उल्टी आ सकती है, चाह हो सकता है इत्यादि। तो क्या करना चाहिए? यदि एक दिन में आपका बुखार ना ठीक हो तो तुरंत हमें नज़दीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए और उससे अपना इलाज करवाना चाहिए। यदि डॉक्टर को पता लगता है लेबोरेटरी टेस्ट के बाद कि आपको मलेरिया है, उचित समय पर दवाई देगा, इलाज करेगा और आपको हो सकता है हॉस्पिटल में दाखिल भी करवाना पड़ जाए, परंतु आपको डॉक्टर की सलाह के मुताबिक सारा का सारा इलाज करवाना चाहिए। खाने पीने में क्या लेना चाहिए? डेंगू, मलेरिया इत्यादि के अंदर आपको तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि पानी को उबाल कर ठंडा करके और छान कर पीना चाहिए, जैसे कि नींबू का पानी लिया जा सकता है, नारियल का पानी लिया, और खाने के अंदर हल्के पदार्थ, सुपाच्य पदार्थ जैसे कि दलिया, खिचड़ी, चावल का सेवन किया जा सकता है, ताकि वो शरीर के अंदर एकदम से हजम हो जाए और हमें एकदम से एनर्जी, ताकत मिल सके। और क्या नहीं लेना चाहिए? पदार्थ नहीं खाने चाहिए और ज़्यादा नमक खाना चाहिए। अगर हम इन उपायों का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि हमारे घरों के आसपास, और अगर हो जाते हैं और इनसे बचने के लिए रात को घरों के अंदर मच्छरदानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और छात्रों के साथ आपके बीच में आए हैं, आपका क्या विचार है? आपका जो आपका विचार वही मेरा विचार है। अब आपको बहुत बढ़िया बात मैंने सुनी, और जो साफ सफाई के बारे में तो बहुत बढ़िया आपने ज्ञान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।